हेलो फ्रेंड्स, आज हम ढोकला बनाएंगे। हमन ढोकला और बहुत आसान रेसिपी होगी जिसे कोई भी फटाफट से बना सकता है। तो ये 1.5 कटोरी बेसन है, इसको हम एक बड़े बाउल में लेंगे। किसी भी आप बड़े बर्तन में ले सकते हैं और अपना मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग और लगभग 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। आप चाहें तो आधा सूजी आधा बेसन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बैटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे लगभग 10 मिनट तक। अब एक साइड कढ़ाई चाहे किसी भगोने में हम पानी चढ़ाएंगे और एक जाली स्टैंड रख देंगे। अब एक किसी भी बर्तन में जो आपके पास हो, केक टिन हो, उसको ले लीजिए। नहीं कोई चौड़ा गोल जो भी बर्तन हो उसको आप घी से चाहे ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम। अब इसमें हम इनो फ्रूट साल्ट डाल देंगे। 10 मिनट हो गया है बेसन को फूलते हुए और इसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे करके मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं फटाफट से फूल गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसे हम रख देंगे स्टीम होने के लिए। अब हम इसको ढक देंगे जिससे वो कवर हो जाए अच्छे से कढ़ाई। अब इसको हम 15 से 20 मिनट अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो 15 मिनट हो गए, एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक चाहे नाइफ की मदद से हम चेक करेंगे। अभी देखिए हल्का सा लग रहा है, इसको हम 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। ये देख सकते हैं, अब एक बार फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल चाकू साफ़ सुथरी है। तो हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का पैन रखेंगे चाहे कोई भी बर्तन जिसमें आप फ्राई करें। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें हम राई डालेंगे चाहे सरसों, करी पत्ता और हरी मिर्च। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसमें हम चीनी डालेंगे। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे और तड़का को बंद करेंगे। अब इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे। अब इसकी पीसेस कर लेंगे। अब इस पर हम अच्छे से तड़का डाल देंगे, अच्छे से रस सोख ले बिल्कुल। तो हमारा बहुत टेस्टी, हेल्दी, सुपर सॉफ्ट और जाली आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना नरम बन के रेडी हुआ है। तो आप भी बनाइए फ्रेंड्स बिल्कुल इस ट्रिक से, एकदम ढोकला बहुत अच्छा बनेगा। ये भी नहीं है कि गले में जाके चुभे। तो बनाइए और रेसिपी समझ में आए तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।